हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी और आज तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस उससे रिलेटेड जितनी भी स्टैटिक्स, चाहे आपका वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ज्योग्राफी से, तो सभी को मैंने कवर किया है। यदि देखो भाई आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। देखो पहले रिविजन करते हैं, उसके बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो देख एक बार नजर जो रिवीजन देख लेते हैं कल का। जो किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक जो अंतरिक्ष यान का लॉन्च किया है, तो नासा ने लॉन्च किया है भाई कैपस्टोन नामक जो चंद्रमा का चक्कर लगाएगा, इसके ऊपर जो पूरी वीडियो पड़ी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा जो टॉपिक है जो था वो 31 जो सरस्वती सम्मान 2021 किससे किसे सम्मानित किया गया है, तो राम शरद मिश्र इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा जो महाराष्ट्र के जो उस्मानाबाद के शहर का नाम बदलकर क्या हो गया है, तो धाराशिव हो गया भाई। जो नेक्स्ट था हमारा जो हाल ही में जो अंतर जो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जो कौन है, तो एकनाथ शिंदे बने भाई। भारत के अटर्नी जनरल कौन बने हैं, तो केको वेणुगोपाल है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय जो क्षुद्र दिवस कब मनाया जाता है, तो नेशनल एस्ट्रोनॉट डे जो होता है वो 30 जून को होता है। और PSLV C-53 मिशन के जो इसरो के किस 3 उपग्रह को लॉन्च करेगा, तो ये सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को होता है हमारा GST दिवस होता है, डॉक्टर डे होता है और SBI का स्थापना दिवस होता है। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, तो खुशी पटेल ने जीता भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो ये तो अब तक का रिविजन था, तो भाई कमेंट करके बताए और जो चैनल इसको ना चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो एकदम सेशन को लाइक कर दे, लाइक कर दो और जो भाई वो भी कर दो, शेयर भी कर दो दोस्तों तक। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट स्टडीज रैंकिंग में कौन सा शहर टॉप है, जो बच्चे पढ़ते हैं उसकी जो कौन सी जो स्टडी करते हैं उसमें जो कौन सा शहर जो सबसे टॉप पर रहा है, तो ये बात कह रहा। तो फर्स्ट चीज जो वियना, सेकंड जो लंदन है, थर्ड जो हमारा जो सी हमारा दिल्ली और डी हमारा इस्तांबुल, तो लंदन इज द करेक्ट आंसर है। तो लंदन फर्स्ट पर आया, तो इसे देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु जो इंपॉर्टेंस है। QS जारी जो बेस्ट स्टूडेंट रैंकिंग 2023 के अनुसार राष्ट्रीय छात्रों में रहने योग्य शहरों की सूची में 100 अंकों के साथ जो शीर्ष पर रहा है, 20 रैंकिंग में 103वें स्थान पर रहा, इसके जो बेंगलुरु 114वें स्थान पर, चेन्नई 125वें स्थान पर रहा। सूची शीर्ष स्थान कौन 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 से हैं शहर इसमें, तो फर्स्ट है हमारा लंदन ब्रिटेन का है, दूसरा हमारा जो शियोल जो है दक्षिण अफ्रीका दक्षिण कोरिया का है, और जो म्यूरिक जो जर्मनी का, दोनों संयुक्त रूप से इसमें, और थर्ड पे जो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का है। तो और सूचकांक जारी कौन करता है भाई, जो इंग्लैंड जारी करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड इंडिया जो गेल है, गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसमें जो हु हैज बीन विद द न्यू चेयरमैन ऑफ गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, तो संदीप गुप्ता, बी हमारा जो परमेश्वर अय्यर, सी हमारा नितिन गुप्ता और डी हमारा जो तरुण कपूर, तो ये हमारे संदीप गुप्ता इज द करेक्ट आंसर है। जो परमेश्वर अय्यर जी बने हैं ये नीति आयोग के CEO बने हैं, नितिन गुप्ता जो है CBT के CEO है, और तरुण कुमार जो PM के सलाहकार है। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु है, संदीप कुमार गुप्ता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो गेल के नए अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने जो मनोज जैन का स्थान लिया है। गेल जो इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो 1984 में, मुख्यालय जो इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में है, और इसके जो अध्यक्ष जो है शोभा मंडल इसके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जो इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इसराइल रिसेंटली कौन है, तो ये जो पहले इसाक हर्ज़ोग, बी हमारा जो नेफ्ताली बेनेट और सी हमारा जो यार लैपिड और डी हमारा जो रनिल विक्रम संघे, तो भाई इसमें जो यार लैपिड इज द करेक्ट आंसर है। इससे पहले ये तो नेफ्ताली बेनेट, इसाक हर्ज़ोग ये थे। तो देख सकते हैं यार लैपिड जो इसराइल के 14वें जो प्रधानमंत्री बने हैं, यार लैपिड जो कार्यवाहिक प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने जो नेफ्ताली बेनेट की जगह ली है, इसराइल की संसद भंग हो गई है। अब जो चुनाव जो 1 नवंबर को होंगे, चार साल से कम समय में जो 5वां चुनाव होगा। थर्ड जो है इसका पॉइंट, जो नेफ्ताली बेनेट ने कहा कि अगले संसदीय चुनाव में भाग नहीं लेंगे। नेफ्ताली बेनेट का कार्यकाल इसराइल के इतिहास में सबसे छोटा था। इसराइल यह पश्चिमी एशिया का एक देश है, जो राजधानी है यरूशलम है, मुद्रा है जो इसराइली शकेल है, वर्तमान जो राष्ट्रपति है इसाक हर्ज़ोग है, यहाँ पे जो बहु संसदीय प्रणाली है, तो हेरोन ड्रोन यहाँ से लिया है इसराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नवी मुंबई महाराष्ट्र एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या नाम हो गया है, नेम ऑफ द नवी मुंबई महाराष्ट्र एयरपोर्ट हैज बीन चेंज्ड, व्हाट इज द नेम न्यू नेम, तो ए हमारा जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी हमारा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
सी हमारा जो लाल बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डी हमारा जो डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इज द करेक्ट आंसर है। तो उसमें ये हमारा जो है इसका जो सुपर जो प्लास्टिक फ्री का मतलब 2030 तक का जो है, और लाल बहादुर शास्त्री जो है हमारा जो बनारस में है, जो बनारस काय के लिए संस्कृत के लिए फेमस है, महत्वपूर्ण बिंदु है। महाराष्ट्र के जो नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल का जो डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र सरकार ने अन्य शहरों के नाम बदलने का फैसला लिया है, जिसमें औरंगाबाद का नाम जो संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम जो धाराशिव नाम रखने का फैसला किया है। अन्य नाम बदले नाम है राजस्थान का जो मियाँ का बाड़ा, रेलवे स्टेशन का नाम जो महेश जो नगर हाल्ट, गुजरात के जो केवड़िया नाम का जो इसका जो एकता नगर स्टेशन रख दिया गया है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम जो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, और अलीगढ़ का जो हरिगढ़, और होशंगाबाद का जो नर्मदापुरम। तो ये देखो इम्पोर्टेंट है ये जो सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम जो 80 मैच जीतने वाले दुनिया के जो पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हु हैज बीन द फर्स्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड विन द 18 मैचेस ऑल फॉर ग्रैंड स्लैम्स टेनिस टूर्नामेंट। तो इसमें जो विक्टर एसलसन, बी हमारा जो नोवाक जोक, सी हमारा जो राफेल नडाल, सी हमारा डी हमारा जो है लियोन मेसी। तो ये जो है ये सर्बिया के हैं नोवाक जोवार, और जो राफेल नडाल है स्पेन के हैं, और लियोन जैसी जो फुटबॉल ये जो इनका फुटबॉल से हैं। तो नोवाक जोवाक, तो सर्बिया के नोवाक जोवाक जोकोविच जिन्हें टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम जो 80 मैचों में जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नोवाक जोकोविच यह उपलब्धि लंदन में आयोजित विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में दक्षिण कोरिया के जो सुओ को हराकर हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में फर्डिनेंड मार्केस जूनियर ने किस राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो रिसेंटली द फर्डिनेंड जो मार्केस जूनियर वाज द सन्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ए हमारा फिलीपींस, सी एम बी हमारा चिली, सी हमारा जो फ्रांस है, डी हमारा साउथ कोरिया। तो चिली इसमें जो हमारा फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे चिली के जो गैब्रियल बोरोक है, और जो फ्रांस के जो ये हमारा इमोन मैक्रोन, और साउथ अफ्रीका जो यूसुफ योक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखो एडीबी के जो उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा जो है जर्मनी फिलीपींस में जो इसका ख्याल है, जो एक तरह से यहाँ पे चावल अनुसंधान रिसर्च सेंटर है वर्ल्ड का। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफटीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हु हैज बीन रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? तो अजय कुमार माथुर जो हमारा ए इज द करेक्ट, बी हमारा जो कैथरी रसेल, टी हमारा टी राजा कुमार, और रुचि कंबोज। तो इसमें हमारा जो है भाई तो टी राजा कुमार इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ये जो देख लो इसमें भाई, भारतीय मूल के जो टी राजा कुमार जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं, तो टी राजा कुमार जो वैश्विक एंटी मनी जो लॉन्ड्रिंग और जो आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण जो उपायों के प्रभावशीलता से सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एफटीएफ जो वित्तीय कार्रवाई करने कार्यबल, यह जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो आतंकवाद वित्त पोषण के लिए एक वैश्विक निगरानी संस्था है। इसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग को निपटाने के लिए नीतियों का बनाने के लिए की गई थी। 2001 में जो आतंकवाद के जो वित्त पोषण में शामिल किया गया था, इसका मुख्यालय पेरिस में है और जो फ्रांस में स्थित है। भारत 2006 में एफटीएफ का जो ऑब्जर्वर बना था, और 2010 में जो इसके पूर्णकालिक सदस्य बना है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? रिसेंटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वाज द रिलीज्ड बाय, तो वर्ल्ड बैंक, बी हमारा IMF, सी हमारा ILO, और डी हमारा जो RBI। तो RBI इज द करेक्ट आंसर है। तो ये वर्ल्ड बैंक क्या जारी करता है?